अरे दोस्तों, ये वीरेंद्र आपका सेवक, आपका गुलाम, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबका सेवक आपके समूह प्रस्तुत है और आपसे फरियाद कर रहा है, मेरे भाइयों हम सबों को मिल के जीवन जीना है, साथ निभाना है, प्रेम से, मोहब्बत से, एक दूसरे से गले लगना है, हमेशा एक दूसरे की उन्नति प्रगति में सहयोग देना है और सबों को दुख को बांटना है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये पूरी धरा ही हमारा परिवार है। हम एक दूसरे से मिल के रहना है और हमको मिल के दुनिया को बेहतर बनाना है। आज का ज़माना बदल गया है, आज हम एक जगह ही नहीं रहते। अगर हमारी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हमारा घर अमेरिका में हो सकता, लंदन में हो सकता, जापान में हो सकता, अफ्रीका में हो सकता, अर्जेंटीना में हो सकता, क्योंकि आज का वैज्ञानिक अनुसंधान समय और दूरियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। सब कुछ कमाल कर रहे हैं, एक से एक बेहतर आविष्कार हुए, अनुसंधान हुए और जीवन बहुत ही बेहतर हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक चीज़ मानवता को खा रही है, वो सबसे घृणित है कि आपस में हम भेदभाव रखते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और इसका कारण है अज्ञानता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, ये हमारे जीवन को जंजीरों में जकड़ लिया है, हम इसके गुलाम हो गए हैं मेरे दोस्तों। लेकिन ये योगी वीरेंद्र योगी, कर्म योगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर फल हेतु भू माते संगोस्तर कर्मण, हमारा कर्तव्य है कि कर्म योगी बने, कर्म को पूजा समझें, कर्म को इबादत समझें, और जितने भी छोटी छोटी बातें हैं उनको भुला दें, क्योंकि वो अज्ञानता का प्रतिबिंब है, अज्ञानता का द्योतक है। इसीलिए बहुत ज्ञानी महापुरुषों ने कह दिया, अयम निजः परो वेति गणा लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा, ये तेरा, ये छोटे लोगों के कहा हुआ है, छोटे लोगों का संकुचित विचार है। वो व्यक्ति कुएं का मेढक है, दुनिया नहीं देखा, घनघोर अंधकार अज्ञानता का उसको जकड़ लिया है और वह पशु से भी गिरा हुआ है, क्योंकि जो ज्ञान है वही हमको सही रास्ता दिखाता है। आज हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहे, यहाँ जो सबसे बड़े धर्म वाले हैं वो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, हमारे ईसाई भाई और बुद्ध भगवान के उपासक, महावीर के उपासक जनसंख्या में कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं वो हिंदू और मुसलमान है, वो दोनों भाई भाई हैं। और कहा तो जाता है कि ये हिंदुस्तान की नगरी हिंदुओं की थी, आर्यंस की थी, ये इन्वेडर्स बाहर से आए और यहाँ के जो बसने वाले थे उनको जबर जोरदस्ती मुसलमान धर्म कबूल करा दिया। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो डीएनए भी एक ही है, वो धर्म के आधार पर भी जो शुरू में तो हिंदू ही थे और बाद में मुसलमान बह गए, तो क्या बदल गया? न उनका हड्डी बदला, न मांस बेचला, न दिमाग बदला, न बुद्धि, ज्ञान बदल गया, केवल रास्ते बदल गए। इस्लाम और हिंदुइज्म वो कभी भी दो धर्म अलग नहीं है भाई, पढ़ के तो देखिए, वो एक ही रास्ता दिखाता है, शांति, प्रेम, स्नेह, अहिंसा,
भाईचारा, कोई नफरत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई व्यवधान नहीं, लेकिन वो पढ़े ही नहीं। जो हमारे भाई साहब लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम। और जो भाई साहब लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमान का प्रतिबिंबित हूँ, मुसलमानों का लीडर हूँ, वो कभी कुरान ठीक से पढ़े ही नहीं। अरे भाई, मैं पढ़ा हूँ थोड़ा थोड़ा, और सुनिए, नफरत और नाराजगी को दिल के तख से निकाल फेंक, वरना आसमानी बाप तुम पर रहम नहीं करेगा। इस धरती पर रहने वाले, कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में लिखा है, नफरत और नाराजगी को दिल के तख्त से निकाल फेंक ए बेवकूफ, वरना आसमानी बाप जिसके तू डिपेंडेंट है, वो तुम पर कभी भी रहम नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी मानव जातियां हैं कुरान के आधार पर, वो अल्लाह के डिपेंडेंट हैं, और अल्लाह सबसे ज़्यादा मेहरबान उस डिपेंडेंट पर है जो उसकी बाकी डिपेंडेंट का ख्याल रखता है। अरे हिंदू भाई, हिंदू धर्म में भी लिखा है कि जो सबसे काबिल तुम्हारा होगा, तुम में से जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा, वो लोगों की खिदमत करेगा, लोगों को रास्ता दिखाएगा, लोगों के ज़िंदगी को बेहतर करेगा, प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हल करेगा, सड़क बिजली और पानी की समस्या हल करेगा, निरोग बनाएगा, रोजी रोटी देगा, शांति और ज्ञान देगा, और तुम्हारा जीवन को अमर कर देगा। जब तक जियोगे, मृत्यु क्षण तक आनंद ही आनंद होगा, ज्ञान ही ज्ञान होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, स्नेह ही स्नेह होगा। अरे प्रेम करके तो देखो, तू रख जरा तलवार, प्यार करके देखो, सच बोलो, सच समझो, विजय तुम्हारी ही होगी। नफरत को थोड़ा दिल से उतार के तो देखो। ए मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन, नफरत क्यों कर रहे हो भाई? ये धर्म के नाम पर क्यों नफरत फैला रहे हो? अरे मेरे नासिरुद्दीन भाई, अरे मेरे इमरान खान, अरे मेरे आमिर खान, बड़े अमीर हो, बड़े दिल के धनी हो भाई, ईमानदार हो, ज्ञानी हो, मोहब्बत का पैगाम फैलाओ भाई। हम तुमसे मिलना चाहते हैं, आ मेरे गले से लग, हम भाई भाई हैं, हम अपनी बहनों की रक्षा करें, अपनी भाइयों की रक्षा करें, उनको रोटी कपड़ा मकान दें, उनके ज़िंदगी में खुशियां लाएं, उनके ज़िंदगी में बिल्कुल बहारें ला दें, ये मिल के करेंगे। ये नफरत क्यों, ये भेदभाव क्यों? जागो, सदियों से ये नफरत फैला रहे हो, और तब बदनाम करते हो कि भारतीय जनता पार्टी ये फैला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी एक जनता पार्टी है जो जन समाज को एक सही रास्ते पर ले जाके जिंदगी को खुशहाल करना उसका लक्ष्य है। लेकिन उसमें भी वो हो सकते हैं ना, मुसलमान भी उसमें है, हिंदू भी उसमें है, उन सबों को उठना चाहिए, मेरे विचारों से मेल खाना चाहिए, भाई भाई, बहन बहन, मेल मेल, मोहब्बत मोहब्बत, प्यार प्यार, बांटो खुशियाँ, हर दिन ईद मनाओ, हर दिन दिवाली मनाओ, मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। यही वीरेंद्र योगी आपसे आरजू करता है, आपसे प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब खुशहाल हो, सब प्रगतिशील हो, सभी को नौकरी मिले, सभी को चाकरी मिले, सभी को खुशियाँ मिले, सभी को सारी संपत्ति दुनिया को मिले, और ये संभव है। लेकिन उसके लिए शेरे दिल सुल्तान बनना पड़ेगा, योगी वीरेंद्र की तरह। सब भाई भाई है, अरे मैं सबको प्यार करता हूँ, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, सब मेरे हैं, हम सभी एक पथिक हैं। ये दुनिया एक स्टेज है, हम यहाँ रंग मंच पर कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। अरे अच्छा एक्टिंग करेंगे ना, विलेन का एक्टिंग क्यों करोगे भाई? कभी भी विलेन को इज्जत नहीं किया लोग, विलेन हमेशा निगेटिव सोचता है, नफरत नाराजगी काम क्रोध लोभ मद लोभ मोह को लेके चलता है, आग लगाता है वो, आग लगाता है वो। अरे हिंदू मुस्लिम
थोड़ा कबीर दास की कविताएं तो पढ़ो, क्या भेदभाव कर रहे हो भाई, मोहब्बत करो, लोगों को सही सिखाओ। अरे गलत हो गया तो भूल जाओ ना, अच्छा तो करो ना, जो गलती हो गया उसको याद करते हो, उसने कर दिया, उसने मुश्किल कर दिया, अरे मैं सबको मिटा दूंगा। हमारे मोहब्बत में इतनी ताकत है, समुद्र का पानी है जो जहर को मिटा देगा। अरे हम शिव शंभो बने और जहर को पी ले फिर भी नहीं मरेंगे, क्योंकि मोहब्बत की ताकत ये जहर की ताकत से ज्यादा बड़ा है। प्रेम करो, प्रेम से ही नफरत को दूर कर सकते हैं। नाराज होते हो मेरे भाई, क्यों? नाराजगी तो आग है, ये जहर है, तुम पी रहे हो, तुम जलोगे पहले और ऐसी चिंगारी बनोगे कि सबको जला दोगे। अरे मोहब्बत करो वीरेंद्र योगी की तरह, मोहब्बत करके देखो। ये मोहब्बत एक ऐसा वातावरण पैदा करेगा जहां कभी कोई किसी को नफरत नहीं करेगा, कभी कोई नाराज नहीं होगा, सब मोहब्बत करेंगे, सबके साथ बांटेंगे खुशियां और सब आनंद से जीवन जिएंगे। ये धरती हमारा परिवार है, समुद्र का मेढक बनो, कुएं का नहीं। छोटा छोटा छोटा, ये मेरा, ये तेरा, ये तुम्हारा, ये, अरे तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं, ये कुछ भी किसी का नहीं भाई। यहां थोड़े दिन के लिए है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ, झूठ का मतलब है मेरे भाई सारे कुरीतियां, सारे नफरत नाराजगी काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह ने कैसा तुझको घेरा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इन माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी अज्ञानता का शान। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या 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 क्या, एक मानव, एक मनुष्यता, एक धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म। हम सभी मनुष्य हैं और उससे भी बड़ा धर्म, उससे भी बड़ा धर्म सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अरे ये सभी प्रकृति ने बनाया, ये छोटे छोटे लोग धर्म बोल दिए, लेकिन मैं साइंटिस्ट हूँ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा हूँ, मैं चार्ल्स डार्विन हूँ, मैं जानता हूँ, ये प्रकृति ने बनाया, तुमने भगवान बना दिया, तुमने खुदा बना दिया, तुमने कृष्ण राम बोल दिया, लेकिन मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं न्यूटन हूँ, मैं चार्ल्स डार्विन हूँ, ये प्रकृति ने बनाया, प्रकृति सबसे बड़ा है, तुम्हारी समझदारी छोटी है, सिर्फ छोटे छोटे सोचते हो, मेरी समझदारी एक साइंटिस्ट का है, मैं दुनिया देखता हूँ और लगभग मेरे विचारों से मिलता है एक ही व्यक्ति, गौतमा सिद्धार्था बुद्धा, वो साइंटिस्ट था, वो समझा प्रकृति को, कभी भगवान नहीं बोला, कभी खुदा नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला, बोला तो रीजनिंग और लॉजिक पर बोला, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पैदा होगा, लॉ ऑफ कंपनसेशन, ये सीखो साइंटिफिक, आप लाइफ ऑफ लिविंग साइंटिफिक, सब बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, नफरत करोगे नफरत मिलेगी, प्यार करोगे मोहब्बत मिलेगी, अरे प्यार में मजा है ना, अरे प्यार तो करो। अरे इतना मनुष्य गिर गया कि जिस बीवी के साथ, जिस अपने पत्नी के साथ संभोग करके असीम आनंद की प्राप्ति करता है उसको लात मारता है, उसको जलाता है, कभी डौरी के नाम पर, तो कभी दहेज के नाम पर, तो कभी तलाक देके, अरे शेम करो, शर्म करो, हिजरो कुत्तों कमीनो, नफरत मिटा डालो, नफरत या खत्म करो, मोहब्बत की पैगाम फैलाओ, सबको प्यार करो, मोहब्बत जिंदगी देगी, मोहब्बत आबरू और इज्जत देगी, मोहब्बत दुनिया को जोड़ेगी, मोहब्बत दुनिया को परिवार बनाएगी। वसुधैव कुटुंबकम,
बटे हुए टुकड़े टुकड़े चित्रे चित्रे फटे चिटे आग फैलाने वालों सावधान, अमृत की वर्षा करो, लोगों में खुशियां बांटो। न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई मजहब, एक ही मजहब इंसानियत, एक ही पैगाम मोहब्बत और प्यार का पैगाम। कभी मंदिर के नाम पर लड़ते, कभी मस्जिद के नाम पर लड़ते, अरे रोटी दो, खाना दो, कपड़े दो, भाई ये क्या लड़ रहे हो? मैं तो रो रहा हूं, मेरी धरती, मेरे भाई बहन कहाँ जा रहे हो? अरे मुसलमान है तो अल्लाह से मांगो ज्ञान, हिंदू है तो राम कृष्ण से मांगो बुद्धि, अगर बुद्धिज्म है तो बुद्ध से मांगो प्यार मोहब्बत। जिंदगी का फाउंडेशन है भाई। थैंक यू।